सुना है कि ये सांप दूध पी लेते हैं गाय का, क्योंकि देखिएगा जरूर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा अभी हम ओफ आए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पांडे एक बार फिर से आपको सांप को बचाने के लिए आप पहुंचा हूं डॉक्टर चौधरी साहब के क्लिनिक में, जहां पर हमें सूचना मिली है कि उनके यहां कोई सांप घुसा है। तो चलिए देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह सांप है। वीडियो में बने रहिएगा, खतरा हो भी सकता है नहीं भी। देखिए दोस्तों, ये रेड स्नेक है और इसकी हिम्मत देखिएगा, ये सांप देखते तुरंत भाग जाता है। देखो 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 देखो, अब चला है, देखो इसे पता, या तो इसने कुछ खाया हुआ है या फिर ये डर कर बैठा है। और इनकी भी हिम्मत देखेगा, ये कैसे इसको देख रही है। ये आपका क्या नाम है, इनसे बात करो, नाम देगा अपना ममता, आपने कैसे देखा है? ऐसे आके देखा, जब पता चला शोर में चला, उस लड़के ने देखा हमारे गौरव ने गुम हो जा, तू ना दर्शन दे दे, इतनी बहुत बड़ी बात है, पर ये कहीं पे भी छुपाई नहीं। जब से पीर की जब से आया, पीर की से जरूर कोई मिंडा वगैरह खराब हो शायद। अरे डॉक्टर आप बोले तूने देखा, क्या नाम है आपका? देव। पापा का? डॉक्टर मिचोर। पता आपको आया, कैसे देखा तूने? मैं नाव पे खड़ा था, एकदम से ये नाव पे आया था। नाव पे सांप खड़ा था, नाव पे आ गया या तुम खड़े थे? तुझको कैश करते हैं और कितनी ये बेफिक्र होकर यहाँ पर बैठा हुआ है, देखिएगा आवाज कैसे कर रहा है। जी जी जी। अब ये हम ओफ आए। अब ये हम ओफ आए। देखिएगा इसका मूड। लोग दोस्तों ये कहते हैं कि रेड स्नेक हमला नहीं करते, नहीं काटते हैं, ये देखिएगा, अभी देखिएगा, ये देखिएगा कैसे हमला करता है। देखा कैसे हमला करता है और यहाँ से इसको जाने की, यहाँ से इसको जाने की जगह नहीं मिल पाई, इसलिए यहाँ पर बैठा है, अन्यथा ये इतना समय है, ये इतना समय। नहीं लगाते, ये देखिएगा, देखिएगा ये कितना हमला करने की कोशिश कर रहा है, देखिएगा, इसे लग रहा है कि तुझे इनसे खतरा है, ये सोच रहा है, तभी काटने की फिराक में है। दोस्तों इसे ये नहीं पता होता कि हम इसको बचा रहे हैं या मारने के लिए आ रहे हैं, तो इसे लगता है उफ। इतनी उग्री स्थिति में ये सांप, ये कभी इस तरह से जिद नहीं करता ना इतना गुस्सा करता, लेकिन आज काफी गुस्से में ये लग रहा है, पता नहीं क्या इसके मूड में क्या है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिएगा देखिएगा, अक्सर हम लोगों को फने वाले सांप से या जहरीले सांप से डर लगता है और इसको हम बहुत ही आराम से बिना डर के पकड़ लेते हैं, लेकिन जब पकड़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही, क्योंकि देखिएगा जो कैसे काट रहा है, यो तेरी यो तेरी। ये तो फिर भी नहीं जा रहा, मैं तो कह रही मैं तो हाथ जोड़ रही इसके सामने, पापा तू चला जा, तो हाथ जोड़ी को नहीं कर। देखिए जैसे हाथ दूंगा कैसे तुरंत काटेगा, क्या परेशानी आ रही है? कभी किसी ने इसको मारा? कभी किसी ने? नहीं, ये तो सनाली में आया ना,
इसे छेड़ा छाड़ी तो नहीं करी किसी ने, मारा तो नहीं इसके? नहीं यहाँ पे तो हुई नहीं, तो करी नहीं बाहर से, अगर किसी ने इसके साथ किया होगा वही गलत बात है। तो चलिए दोस्तों इसको पकड़ते हैं और पूछते हैं इसकी स्थिति क्या है, क्यों इतना परेशान है, क्या दिक्कत आ गई? देखिए दोस्तों ये है इंडियन रेड स्नेक, इसको हम घोड़ा पछाड़ी बोलते हैं। तो दोस्तों ये दौड़ने के लिए माहिर होता है, ये देखिए इसने लैटरिंग कर दी, ये जब दबाव पड़ता है डर होता है इनके अंदर, ये लैटरिंग कर देते हैं। और ये केवल घोड़ा पछाड़ इसलिए बोलते हैं इसको कि दौड़ने में माहिर होता है, पता नहीं क्यों किस कारण से आज ये यहाँ पर छुपा बैठा था, दौड़ने के बजाय ये हमें डरा रहा था, काटने की कोशिश कर रहा था बार बार। और वैसे भी ये सांप ज्यादातर आँख खोलने की कोशिश करते हैं और इसमें कोई जहर नहीं था। क्या इसके बारे में क्या सुना आपने सांप? भैंस का दूध पी जाए जंगल में फिरती हुई का, ऐसा न्याना सा लगा दे और दूध पी जाए। आपने सुना या देखा कभी? आप देखे हमने जंगल में बहुत दूध पीते हुए, नहीं देखे होंगे आपने सुना या की दूध पीते हैं। तो देखिए दोस्तों जो भी व्यक्ति हमको मिलेगा केवल यही कहते मिला कि हमने दूध सुना है कि ये सांप दूध पी लेते हैं गाय का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये केवल एक अंधविश्वास है कि ये बहुत ही खतरनाक और होते हैं और वो दूध पी लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो केवल फिलहाल इस तरह गुस्से में है, ये ऐसा लग रहा है कि मुझे इन लोगों से खतरा है तो ऐसा गुस्से दिखा रहा है, बाकी ये सांप बिना जहर वाला होता है। और ज्यादातर इस सांप से अगर भागने में हाथ भागने पड़े, इस सांप से अगर किसी को काटने से मौत होती है तो वो केवल उसके डर से होती है, डर से होती है, इसमें जहर नहीं होता, तो जिससे नहीं होती है। ठीक है इसमें जहर होता है? चलिए हां जी इधर आओ, मतलब डर जाते हैं आते हैं आते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं है, देख लो पकड़ो पकड़ो आराम से। तो दोस्तों हमारे वीडियो बनाने का मकसद केवल ये होता है, अब जैसे ये लेडीज हैं, बहन जी हैं और भी कोई शख्स होते हैं जो इनको हम कोशिश करते हैं पकड़ाने की, तो केवल हमारा मकसद ये होता है कि इनके प्रति जो व्यक्ति के अंदर अंधविश्वास है कि काफी खतरनाक और जहरीले होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी क्वालिटी है सांप की जिसमें केवल 3-4 तरह के सांप जहरीले होते हैं, बाकी सब बिना जहर के होते हैं, लेकिन एक हवा बना हुआ है कि हाय सांप काट दिया और काट दिया मर गया, तो इनके जहर से नहीं अटैक से होते हैं। तो ये इंडियन रेड स्नेक होता है, पहचान कर लीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता और इससे केवल आप इतना डरें कि इसके नजदीक ना जाएं, बस दूर रहें और इतना ना डरें कि आपके हार्ट अटैक से मृत्यु हो सके। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही, कहीं पर भी कोई भी सांप अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत छेड़छाड़ी ना करें, आप हमें फोन करें, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे या इस पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो मुझे कॉल करें, मैं आपको और सांप को दोनों को बचाऊंगा जितना जल्दी हो सके। और कोई भी सांप अगर आपको काट ले तो झाड़ फूक जांच होने के चक्कर में ना पड़े, सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, वहीं पर इनका संपूर्ण फ्री इलाज है जरूर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए दोस्तों इसके मुंह में उंगली में दे रहा हूँ और इसका कारण केवल ये होता है, दांत इसके बहुत सारे होते हैं, बाबा जी जो कह रहे हैं पुरानी बात है बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें छोटे छोटे बहुत काफी दाब होते हैं, वो तो सबसे नहीं होती है, तो इसमें नहीं, इसमें जहर नहीं था सब, और वो तो एकदम सांप को कभी नहीं मारना चाहिए, अब तो हम लोग हैं सुविधा है, फोन करो तुरंत आ जाएंगे, बाकी सांप मारने से सांप बढ़ते हैं ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस सांप का रेस्क्यू हमने जमुना विहार कॉलोनी से डॉक्टर अमित चौधरी के यहाँ से किया है, उनके क्लिनिक में था तो यहाँ पर इसको इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करने के लिए लेके आए हैं, छोड़ते हैं इसको यहाँ पर। चलिए बाबा निकलिए, आइए आइए आइए, देखिए जो सांप है इसको इंडियन रेड स्नेक या घोड़ा पछाड़ बोलते हैं, बिना जहर वाला छोड़ देगा। चलिए चलिए बाबा, चलिए छोड़ दो।